क्लास टेंथ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो करते हैं जी. फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो करते हैं, सबसे पहले फाइंड करते हैं इसका एलसीएम. तो एलसीएम क्या आएगा जी? तो ये आ जाएगा 12, 15 और 21. तो इसका एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी इसकी? 2 से करते हैं तो 2 6 से 12, 15, 21. अगेन 3 से करते जी, अभी जो है ना 2 5 से 15, 3 7 से 21. अच्छा 2 से करेंगे 5 7 और ये हो जाएगा 5 से यहाँ हो जाएगा 7. ठीक है जी. अच्छा ये कितना आ जाएगा? तो 5 टू ज़ा 10, 10 10 3 ज़ा 30, 30 टू ज़ा 60 एंड 67 ज़ा 420. देयरफॉर HCF विल बी इक्वल टू 420. ठीक है जी. मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो मल्टीप्लाई करके हमें HCF मिल जाएगा. अच्छा LCM निकालते हैं. सॉरी दिस इज़ योर LCM. सो ये हमारे पास LCM आ गया. HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग से इनके फैक्टर्स निकालेंगे. जैसे कि फर्स्टली हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, देन हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन हम 21 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो सबसे पहले 12 के फैक्टर्स निकालते हैं. तो 12 के फैक्टर्स क्या आएंगे? तो 12 के फैक्टर्स आएंगे 12, तो दैट इज इक्वल टू 2, 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3. अच्छा 15 का भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 15 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. तो ये जाएगा जी 15, तो 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5. ठीक है जी, ये भी आ जाएगा. अच्छा 21 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी जी 21 की? तो दैट इज 21, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 7 1 ज़ा 7. सो क्या क्या फैक्टर आए जी 12 के? क्या क्या फैक्टर आए 12 के? फैक्टर आए जी हमारे पास, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3. 15 के फैक्टर्स क्या क्या है जी हमारे पास? दैट इज 3 इंटू 5 एंड 21 के फैक्टर्स आए जी हमारे पास 3 इंटू 7. देयरफॉर HCF क्या आएगा जी? HCF विल बी इक्वल टू 3. ठीक है जी, जो तीनों में कॉमन है दैट विल बी अवर HCF. सो चेक कीजिए इसे. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 बाय यूजिंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसे करते हैं. तो पहले एलसीएम, अगेन एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? तो अगेन तीनों को एक साथ प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 17, 23, 29 आ जाएगा. तो क्या करेंगे जी, सारे प्राइम नंबर है तो 17 से ही सॉल्व करना पड़ेगा. 17 वन ज़ा 17. अच्छा उतरेगा क्या? तो 23 वैसे ही उतर जाएगा, 29 वैसे ही उतर जाएगा. अच्छा 23 को करेंगे तो 23 वैसे ही आ जाएगा और 29 भी सेम टू सेम वैसे ही उतर आएगा. ठीक है जी. तो एलसीएम क्या आएगा? देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29. तो जब हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1133 9. ठीक है, एच सी एफ निकालते हैं जी, तीनों का एच सी एफ निकालते हैं. देयरफॉर एच सी एफ इज इक्वल टू, एच सी एफ क्या आएगा हमारे पास? तो सबसे पहले 17 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. तो 17 को प्राइम फैक्टराइज कर जब हमने किया तो हमें पता लगा कि ये 17 से ही होगा, तो 17 वन ज़ा 17 हो जाएगा. अच्छा जी, देन अगला फैक्टराइज इसको करेंगे तो 23 को देखते हैं. अगर 23 को करेंगे देन हमें मिलेगा 23, तो ये अगेन 23 वन ज़ा 23 और 29 को जब सॉल्व करेंगे तो ये भी 29 से ही सॉल्व होगा. 29 वन ज़ा 29, तो हमारे पास एच सी एफ क्या आएगा? तो देयरफॉर फैक्टर्स क्या आएंगे? तो 17 के फैक्टर्स आए हैं 1 इंटू 17, 23 के आए हैं 1 इंटू 23 एंड जो 29 के आए हैं दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 29. सो कॉमन हमारे पास ओनली 1 है इसमें, देयरफॉर एच सी एफ विल बी इक्वल टू 1. ठीक है जी,
तो ये बेसिकली क्वेश्चन इजी था, सिर्फ इसमें क्या थी, एक एलसीएम में सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस थी कि डायरेक्टली हमने 17, 23 एंड 29 को मल्टीप्लाई करना था। सो इसे भी आप चेक कीजिए एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी कि इसमें हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। तो करते हैं जी, अगेन एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले। तो एलसीएम किस किस का आएगा, तो 8, 9, 25, ठीक है। तो 2 से करते हैं सबसे पहले। तो 2 एक्चुअली यहाँ पे क्या लिए जाते हैं, ओनली प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। तो हमने 2 से शुरू किया, तो 2 4 8 दैट इज 9 एंड यहाँ पे आ जाएगा 25। अगेन 2 से सॉल्व करेंगे तो 2 2 2 4 9 एंड 25। अगेन 2 से तो 2 1 2 9 25। आगे हम इसे 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 25। अच्छा जी यहाँ से भी 3 आ गया तो 1 1 25। और हमारे पास यहाँ पे जो आएगा नंबर दैट इज़ 5 1 1 एंड 5। और जो लास्ट में जो हमारे पास नंबर आएगा दैट इज़ 5 1 5। सभी के लिए 1 1 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा देयरफॉर। अच्छा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा एक और 2 है जी हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज, और आ गए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया जी 25 25, यहाँ पे हो गया 4 दैट इज 100, और ये हो गया 900, ठीक है 900 हो गया, 900 2 180, तो ये आ जाएगा 1800। देयरफॉर एलसीएम फॉर 8, 9 एंड 25 इज 8 1800। अच्छा एचसीएफ निकालते हैं, तो एच सी एफ के लिए क्या करेंगे, अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टर्स निकलेंगे प्राइम फैक्टर्स इनके। तो 8 के क्या आएंगे, तो एच सी एफ 8 के लिए 8 का सॉरी 8 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो 2 4 2 2 2 एंड 1। अच्छा 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो दैट इज 3 इंटू 3 3 3 9 एंड 3 1 3। 25 क्या आएंगे जी, 5 इंटू 5, तो ये आ जाएंगे 5 5 20 5 एंड 5 1 5, ठीक है जी 5 1 5। तो 8 के फैक्टर्स क्या आए हमारे पास, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 1 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 के 25 के हमारे पास आ गए 1 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ कॉमन क्या है इसमें, तो ओनली 1 है, देयरफॉर एच सी एफ विल बी इक्वल टू 1। सो चेक कीजिए इसे एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 थे हमारे पास, गिवन दैट एच सी एफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो करते इसे भी। अच्छा इसे करने से पहले हमें प्रॉपर्टी जो हमने कल भी पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दैट फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम। क्या बोल रही है ये प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि जो हमारे पास जो गिवन 2 नंबर्स होंगे अगर हम उनको प्रोडक्ट करेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो, और उनका एच सी एफ और एलसीएम निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो एलसीएम और एच सी एफ का जो प्रोडक्ट होगा और जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल, है ना, तो वो सेम आएगा। तो करते हैं इसे, तो फर्स्ट नंबर क्या गिवन है हमारे पास, तो दैट इज 306। अच्छा सेकेंड नंबर क्या है हमारे पास, तो 657। अच्छा एच सी एफ गिवन है हमारे पास, एच सी एफ क्या गिवन है हमारे पास, तो दैट इज 9, वो 9 है दिया हुआ इंटू एल सी एम, ठीक है। अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें एल सी एम फाइंड करना है, ठीक है। तो एल सी एम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 9 को उठा के इधर ले आएंगे, पर ये मल्टीप्लीकेशन में जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, विच इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी विच इज इक्वल टू नहीं, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 इज इक्वल टू एलसीएम, जो किसके इक्वल आ गया, एलसीएम के इक्वल। अच्छा काटते इसे, तो 9 7 9 9 7 63। अच्छा यहाँ चला जाएगा 27, तो 9 3 27 हो जाएगा। अच्छा इसे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, तो दैट इज 300। तो यहाँ से आ जाएगा 3 9 और 7 21 और यहाँ से आ जाएगा 0 0
और यहाँ से प्लस हो जाएगा क्या इसमें, सिक्स करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो सिक्स थ्री सा 18 का 8 कैरी 1 और 4 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, तो ये आ जाएगा 8 3 13 का 3 कैरी 1, अच्छा 2 एंड 2, 2 2 3 3 8। तो हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा, 2 2 3 3 8। ये बेसिकली मैंने थोड़ा सॉल्व करने के लिए थोड़ा शॉर्ट मेथड यूज़ किया। आप डायरेक्टली इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, 306 मल्टीप्लाई 73, आंसर इससे भी आ जाएगा। अगर आप ट्रेडिशनली इसे मल्टीप्लाई डायरेक्टली करते तो आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुए हो। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।